तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा या मेरा टूटा के मोहब्बत ना एक बार हुई ख्याले तर के मोहब्बत तो कई बार आया, ताल्लुकात पे कुर्बान परिंदे क्यों हों ये कहने एक परिंदा है सोगवार आया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, केस होता है पानामा सनम, जब से आई है सर्दी में शिद्दत, सियासी रवैयों में बढ़ गई है हिद्दत। लो भाई बढ़ रही है सबकी बेसब्री और अब तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सिंध च तरबूज बेचने वाली जैकेट पाई, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब स्मार्ट आदमी है, खूबसूरत आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, राइटर है, डायरेक्टर है, कौन सी कमी है उनमें सिवाय कैल्शियम के। मानुल्ला साहब ये बताएं आपने बच्चों के लिए क्या किया। भाई बच्चों के लिए इन्होंने 3 साल मदारी के साथ रीछ बन के गए और क्या करते, खुसरे वाले कपड़े पाके धरने च नचते रहे, 2 साल बसों के अंदर बीमार मुर्गियों का सूप बेचते रहे और क्या करे बच्चों। मोटरसाइकिल तो शेख ऋषि नु बिठा के झूठे देते रहे और क्या करे। अरे 1.5 साल तक नहर पर कच्चे किराए पे देते रहे और क्या करते। इन्होंने तो अपने बच्चों कट्ठे करके कहा कि मैं थोड़े लिए इना कुछ किया, दसो होर की कराओ, कहते बाजी सब कुछ कर लिया हूं ना लिया करो। मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों के लिए उनके मामुओं को पता है। मगर आपने खुद यही कुछ किया सिर्फ बच्चों नहीं, मेहनत की, मजदूरी की, बहुत कुछ की, दुआएं की, माँ बाप की काम होता दुआएं करना। हमारे मुआशरे के बच्चों के लिए क्या किया आपने। मुआशरे के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जी, जैसा कि ट्रैफिक का निजाम नहीं ठीक किया, इनके लिए नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। पटवार खाने का निजाम नहीं ठीक किया, इनको दिक्कत होगी, हमने नहीं किया। लेकिन चाचे ने अपने बच्चे लिए बड़ी मेहनत की सर। इन्होंने घर जो पहला बेटा पैदा है खुसरे आके कहते 1000 ही लेना, 500 मैनू दो, तुम मुंडा ही ला जाओ। वो मुंडा वड्डा करके हथे रखता। अपने आज के मेहमानों को बुलाते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान एक ऐसी खातून जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और करती ही चली जा रही हैं, यानी कि पाकिस्तान के बच्चों के लिए। उन्होंने एक फिल्म बनाई 3 बहादुर और अब उसका सीक्वल ही बना डाला, मगर उसका कमाल बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 20 करोड़ हम अज्यूम कर लेते हैं होगी अब, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 40 करोड़ हाथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, तो यानी कि 40 करोड़ हाथ है पाकिस्तानियों के और उन 40 में से आज तक सिर्फ 2 ही ऐसे हाथ हैं जिन्होंने 2 बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऑस्कर को उठाया है। आप सबकी तालियां शर्मीन हुसैन चुनाव। जी और जहां हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जिन्होंने ऑस्कर को उठाया है, वहीं पर हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसे शख्स जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी का बेड़ा अकेले ही उठाया हुआ है और बड़ी कामयाबी से उठाते चले जा रहे हैं। आप सबकी तालियों में, कभी आप उनको रैपर के रूप में देखते हैं, कभी आप उनको एक्टर के रूप में देखते हैं, कभी आप उनको होस्ट के रूप में देखते हैं और कभी आप उनको सिर्फ एक बट के रूप में देखते हैं। आप सबकी तालियों में जनाब अहमद अली बट। सिर्फ आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है, मेरे पास खुला नहीं अभी। फिर तुम नाच के बखाओ। शर्मीन जी पहले तो ये बताइए कि कैसा लगता है 2 बार आपने एक ही ट्रॉफी को उठाया है, हाउ डज इट फील एंड यू आर द ओनली पाकिस्तानी इन द लास्ट 70 odd years। बहुत खुशी होती है, बट आई होप कि सबसे ज्यादा ये है कि लोगों को इंस्पायर करे
कि अगर मैं जा सकती हूँ तो बहुत सारे और भी लोग जा सकते हैं। वैसे कैसा लगता है वहाँ पे जाके? अब मैं किस तरह डिस्क्राइब करूँ? जिस तरह आपका दिल आप सोचें कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स, उसके अलावा आप पाकिस्तानी लिबास पहन के वॉकिंग द रेड कार्पेट, सब पूछते हैं कि कहाँ से ये कपड़े आए हैं। तो इसका मतलब है कि उनको हमारी तहजीब और लिबास पसंद है। ये बताइए कि ये आप क्योंकि फेस टू फेस दो बार अब तो उनको मिल चुकी हुई हैं, तो ये जो टॉम क्रूज, ब्रैड पिट वगैरह हैं, ये क्या वाकई में देखने में इतने हसीनो जमील है या सिर्फ हम लोगों को मौत पड़ी हुई है? ब्रैड पिट और तो डेफिनेटली हसीन है। अच्छा, टॉम क्रूज बहुत कद में छोटे हैं, चाचे वर्ग आए। इतना भी बुरा हाल नहीं है, टॉम क्रूज है। आप भी उनके साथ मिल जाते हैं, जिसका नाम ही टॉम क्रूज है वो क्या बंदा है कोई? सर आपसे बात कर देते हैं, तुम चाचे ने एक बार नुहा तो आके देखो तो क्या निकलेगा। मैं कहना इतनी लुक निकलती है ना, मुझे निकलता है। सबसे जो खूबसूरत है वो जॉर्ज क्लूनी है। अच्छा जी। हाँ भाई, मैं तो बता दूं, उससे ज्यादा तो टॉम क्रूज, ब्रैड पिट आप छोड़ दें, जॉर्ज क्लूनी। क्यों एमा, आपको वैसे कौन पसंद है? लियोनार्डो डिकैप्रियो। अब मैं क्या करूं, मेरे पास दूसरा ऑस्कर था, मैं लाइन में खड़ी हुई थी, वो जा रहा था, फिर मैं कहने लगी थी कि आई होप आप पहला वाला जीत जाए। वो बड़ा टेंस लग रहा था, उसकी कैटेगरी अनाउंस होने वाली थी, वो अपनी माँ के साथ था, वो थोड़ा माँ उसको कह रही थी कोई बात नहीं टाइम आने वाला है, और मेरे हाथ में था तो वो कह रहा था एंजॉय दिस, मैं कह रही भाई थी सेकंड वन, आई होप यू विन योर फर्स्ट वन, बट मैंने छोड़ दिया। मगर वो भी क्या उतने ही है जितने वो टाइटैनिक के अंदर मासूम लगे थे हमें, क्या वो है असल में शक्ल से? वो लगते हैं उसी तरह, उसी तरह लगते हैं। तो वैसे आप ऑस्कर जीत चुकी हुई हैं, आप भी यहाँ मैं भी एक दो टीवी अवार्ड जीत चुका हूँ। जी जी, आप भी मैंने उनको गोल्डन पेंट करवा लिया। सॉरी, आपके ऑस्कर्स के लिए जो किन किन चीजों के लिए आप जीते हैं? दो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। नाम क्या था उनके? सेविंग फेस और अ गर्ल इन द रिवर। सेविंग फेस एंड अ गर्ल इन द रिवर, यू नो देयर इज समथिंग, आपको एक डेप्थ नजर आती है, एक इंटेलेक्चुअलिज्म इसमें से, यू नो यू कैन सी इट कमिंग थ्रू। ये मेरी तरफ आ रही है। तो बट सर, आपने जो अवार्ड जीता वो किस चीज के लिए था? कंधा टपंच जीते सर जी। क्या नाम क्या था? नाम उसका जुनेजो था। नहीं, प्रोजेक्ट कौन सा था, क्या नाम? जवानी फिर नहीं आनी के लिए आप जीते थे। क्या जीते थे आप? बेस्ट कैरेक्टर कॉमेडी। अच्छा, उसके अलावा और किस? आप वहाँ मौजूद थे। अच्छा, जवानी के लिए। अच्छा, आप जानना चाह रहे हैं मैं मिस्टर शमीम के लिए जो जीता? अच्छा, ये अच्छा, एक तरफ किस किस्म के नाम और एक तरफ जवानी फिर नहीं आनी और मिस्टर शमीम। एक बात बताएं शमीम, आपको क्या पसंद आई इनकी अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग, कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर यू फाउंड हिम टू बी, कि ये इज ही एन इनसाइड आउट और इज डज ही वर्क आउटसाइड इन, और व्हिच स्कूल ऑफ एक्टिंग डज ही बिलोंग टू? आपने क्यों नहीं लिया मुझे बताओ, मेरे पास टिकट भी है। बट सर, हाउ डू यू अप्रोच योर कैरेक्टर लाइक दिस? नहीं, कुछ सही बताइए ना। पाकिस्तान में पहली दफा ऑस्कर लेके आना और बच्चों के लिए एक फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है, तो इसमें तालियां होनी चाहिए। तो मैंने इसको अप्रोच, अब आपके सवाल पे मैं आता हूं कि मैंने उसको अप्रोच कैसे किया। मैं कमरे में गया, मैंने अपने आप को बंद किया। अच्छा। और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। आम आदमी ना खाए थे, कोई ऐसी गल नहीं। मेरा फोन भी बंद था, सब कुछ बंद था। 3 दिन बाद जब मैं बाहर आया तो वो मैं कैरेक्टर था। आप क्या कैरेक्टर, क्या होता है, बच्चा बन गए थे? मेरा कैरेक्टर पुलिस वाले का। अच्छा, तो इस हिसाब से आप जब मिस्टर शमीम के लिए आपने किया तो आपने कहां बंद किया था? मैं बाथरूम में। अच्छा, मुझे जब भी कोई एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट देता है तो मैं उस स्क्रिप्ट के अंदर घुल जाता हूँ। घुल जाते हैं? घुल जाता हूँ। घूमते नहीं, घुलते हैं। लाइनें निकली थी वो स्क्रिप्ट वाली लाइनें नहीं थी, वो अहमद की खुद की लाइनें। अच्छा, ये यानी कि ये आप भी इससे सफर किए हैं कि ये स्क्रिप्ट याद नहीं रखते और अपने एक्सटेम्पोर करते हैं छोटे एक्टर्स की तरह? उनको इजाजत दी थी, इन्होंने मुझे इजाजत दी थी, खुला हाथ दिया था। अच्छा अच्छा, खुला हाथ। तो ये व्हाट्सएप वैसे क्या, ये एक मुझे आप बताएं, आप तो काफी इतना काम करते हैं कि ये क्या बीमारी होती है लोगों को अपनी तरफ से लाइनें ऐड करने की? वो असल में होता क्या है कि राइटर की लाइनें जब थोड़ी सी जरा माठी होती हैं तो उसको फिर आप इनहांस करने के लिए आप कहते हैं यार अगर मैं इसमें कुछ चीजें ऐड कर लूं। अच्छा। मगर कई राइटर्स जो होते हैं जिस तरह आप हैं माशाल्लाह, आप जब लाइन लिखते हैं तो बहुत फनी होती है, तो इस पे तालियां। चाहिए साहब, कश्मीरी बहुत होते हैं, ख्वाजी होते हैं, डार होते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल भट्ट है ना कश्मीरियों में, दूसरे साबर और भट्ट, सबर करने वाले। अच्छा। किसी वलीमे पे जाए, किसी खाने पे जाए, अगर सालन लेट हो गया, कोरमा लेट हो गया, तो चौला ने कुकुल हो पाके खा लेने। भट्ट तो सवेरे सवेरे नाश्ते वाली दुकान ते इंज इकट्ठे होंदे जिवें नवा पाकिस्तान बनना लगा। बड़ी बात है शर्मैन जी, आपने इनको मुंतखब किया, वरना ये जैकेट अगर उन्होंने पहनी हो तो यहां से बैठे जनरेटर लगे।
अगर मैं इधरों तानू वेखा तो जनरेटर नहीं कुप्पी होंगी क्या हाल है पूछो खबर रोहिणा पर ना बताऊं मैं अगर अपने जोबन पर है नौ सरबाजियां डाके पड़ते हैं यहां हर मोड़ पर जब भी हो जाता है कोई सानेहा बैठ जाते हैं सभी सर जोड़ कर आ ते ऊपरले पासे कौन बैठा है तो ओनेले कपड़े पहन अमीर हो गया मैं अ लॉट ऑफ पीपल गिव मी जैकेट कंबल एक कमरा मैंने किसी ने दिता बट यू नो व्हाट हैपन हीटर नहीं आएगा मेरे को गैस वाला सो आई नीड जस्ट हीटर इट्स 10,000 रुपए है Why don't you try from a guest over here? Maybe they can help you with that. Are you sure? Please. Okay. You know her? Yeah. Once upon a time, I was in L.A. L.A.? Yes. Uh-huh. And she was coming to the award. Oscars? Charmaine Chinoy. Yeah. Charmaine Chinoy. Yeah. Oh, yes. How you doing, baby? Very well. Main tusi itthe dekhanga. I don't have in my mind. ते ऊपरले पासे कौन बैठा है? तो ओनेले कपड़े पहन बिग सेलेब्रिटी अहमद भट्ट बामे लगदे ये फेबुलस जॉन फेरी हैं और ये न्यूयॉर्क से आए हैं इज अ स्ट्रीट सिंगर ओवर देयर इनको किसी ने कहा है कि पाकिस्तान में लोग ज्यादा पैसे देते हैं तो इसलिए यहां पे आ गए इधर दा मुंह लोग खोता लाल करने लिए चली आंदी आई डोंट वांट टू गो टू द जुगते जुगते या प्लीज अभी आ रहे हैं प्लीज आप छोड़े अच्छा गाना को इज्जत रख लेना पैसे ओके लेट मी ट्राई इट इज मेरा कौला मंगना ला कौला जी इट्स फॉर यू Oh, thank Sherman. you. Baby, don't worry oi. about the things, but every little thing gonna be all right. Wow. Rise up this morning, my lips are rising some. Three little birds by my door, side. Wow. Kuchin al music bajande rehna. Baby, don't worry. About the things, but every little thing gonna be all right. Rise up this morning, koi sau Punjabi pao. ये नहीं तो फिर मैं खुले दे दूँ देखिए आजकल कोई सिनेमा नहीं जा रहा था प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास कोई पैसे नहीं है आई विल प्रे आने वाला वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री विल बी ग्रो अप आई एम गोइंग बैक मैं उस ले आवांगा जिस ले आए थे आज बिलियन ही बनी हुई हूँ अच्छा नहीं लगता तुम इस तरह जा रहे हो तो तुम ये रखो थैंक यू ले लेना तुम हीटर वाह 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 अरे यू आर ग्रेट मैन तेरा मोइन जी में लंडे का कोच होना सुमीन ये बताएं व्हाई स्पेसिफिकली बच्चों का टॉपिक देखें इट्स अ प्योरली इकोनॉमिकल थिंग अम्मा अब्बा जाते हैं दो टिकट खरीद के बच्चों के साथ जाते हैं चार टिकट खरीद के तो यानी कि इस फिल्म सिर्फ आपके बच्चों की फिल्म नहीं नहीं जस्ट जोकिंग नो देखिए पाकिस्तान के अंदर बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है एंड इतनी यंग पॉपुलेशन है हमारी यहाँ एंड जब हम बड़े हो रहे थे हम जब टेलीविजन देखते थे तो बच्चों के काफी चीजें थी आई डोंट नो अगर आपको याद है बट अंकल सरगम और ऐनक वाला जिन और सुहेल राणा के गाने हमारे बच्चे क्या देखते हैं यू नो या हॉलीवुड या इंडिया से या इस तरह का डब्ड है अपना अक्स तो वो कभी बड़े स्क्रीन पे नहीं देखते तो वो लेकर तीन बहादुर का आइडिया मैंने शुरू किया था एंड जब फिल्म पहली फिल्म निकल रही थी तो हम भी नर्वस थे मार्केट भी नर्वस थी मगर माशाल्लाह इट्स एट अ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड और हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड फिल्म उसने रियो 2 को बहुत पीछे छोड़ दिया उससे हौसला अफजाई हुई दैट बच्चों की मार्केट है बच्चों के ऊपर काम करना चाहिए और दिस इज व्हाई यू मेड अनदर वन नाउ दिस इज व्हाई आई मेड अनदर वन एंड होपफुली विल मेक अ थर्ड वन एंड अ फोर्थ वन अच्छा मैं आपको वो क्रेडिट दे रहा हूँ
जो कोई अमेरिका से इधर उधर वर्जीनिया वाशिंगटन इधर डैलस डुलस से पढ़ के आता है ना, वो हमारी मत मार देता अंग्रेजी बोल बोल के, वाक्या सुनाता है वो फलां यूनिवर्सिटी देखी, फलां चौक देखा, फलां उसके सामने से गुजरी हुई, फलाना ईफल टावर, हॉलैंड, ये वो पेरिस वगैरह। तो हमारे जहन में जो एक कॉन्सेप्ट था कि जिसने ऑस्कर अवार्ड लिया था वो अंग्रेजी बर्गर आगे वर्ड खबर ना हो गया बर्गर, तो आप तो ऐसे लगा जैसे तीन बच्चे उन्हें स्कूल छट गए। आपके बच्चे कितने माशाल्लाह? दो माशाल्लाह। आपके बच्चे ही फैन होंगे आपके इस इंडेवर के? मेरी मेरी बड़ी बेटी फैन है तीन बहादुर की, दूसरी बहुत छोटी है। तो ये आप यानी कि इन अ वे यू आर आल्सो केटरिंग टू योर किड्स? आई एम, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पाकिस्तान में बड़े हुए और वो जब अपना चाइल्ड हुड देखें तो उनको सिर्फ टॉम एंड जेरी और उनको छोटा भीम और इनको ये तरह की चीजें नजर आए। इस हिसाब से आप जब अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचती तो अपने शोहर के लिए भी कोई ऐसा सोचा? बहुत अच्छी है, हमारे राइटर तो कहानियां नहीं लिखते, बद्दुआएं लिखते हैं, जवानी फिर नहीं आनी, तू नहीं आना, कराची नहीं आनी, लाहौर नहीं आना, धरना नहीं आना, तू मेरे घर नहीं आना, एक बजे नहीं आना, कल डेढ़ बजे आना। हमेशा की तरह उसने कहा ये फोन पर कार्ड भिजवा दो जरा जल्दी मुझे इस फोन पर, पैसे मिलने हैं बजरिया बेनजीर इनकम सपोर्ट, रोज ही आ जाता है मैसेज ये मेरे फोन पर, अब सियासत में है कोई बात पोशीदा कहां, सब पता है किसका किससे राबिता है फोन पर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शर्मीन ये बताएं, कंट्रोवर्सी आपके साथ भी एक बड़ी जुड़ी थी जिसमें आपकी पहली फिल्म के मुतालिक लोगों ने कहा कि जी उन्होंने उसके बाद पता नहीं क्या पैसे नहीं दिए, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैयद नूर साहब बड़े कुछ तिलमिला उठे थे, उन्होंने ये भी कह दिया कि आइडिया आपने उनका आइडिया उठा लिया। बहुत बुरी बात है। आई थिंक कि शायद जब मूवी बन गई थी तो उनको आइडिया आया था कि मैंने गैरत वाले कत्ल के ऊपर। आपकी मुलाकात या बात हुई उसके बाद नूर साहब से? नहीं, देखे वो इंडस्ट्री के बहुत एक ओल्डर डायरेक्टर हैं, उन मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया था कि लोगों लोग जो आपसे बड़े हों उनका एहतराम करना चाहिए, तो मैंने कभी उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू नहीं की। आप किस सिलसिले में गुफ्तगू करती हैं? मैंने सिर्फ कहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल कि दस्तावेजी फिल्म का आइडिया जो है वो कोई चुरा सके किसी और से। मगर एक और भी आपके बड़ी कंट्रोवर्सी आपसे जुड़ी होती है, जो क्रिटिसिज्म रादर आपके पास है। मेरे रोज एक कंट्रोवर्सी होती है, कुछ सुबह मैं उठती हूँ अपने बारे में सोशल मीडिया पे जाती हूँ और चीजें पढ़ती हूँ जो मुझे भी नहीं पता था अपने बारे में। तो जब आप काम करते हैं पाकिस्तान में और अगर आप सच लोगों को दिखाते हैं तो कभी कभी वो चेहरा अपना नहीं देखना चाहते, उनको बुरा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि उन मुमालिक में जो जहाँ इश्यूज हैं वो इन इश्यूज को कन्फ्रंट करने के लिए आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। अभी जो फिल्म निकली है वो फिल्म प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखी, एक लॉ पार्लियामेंट में लैप्स कर गया था, उस फिल्म ने एक छोटा सा किरदार अदा किया इन गेटिंग पाकिस्तान ताकि पाकिस्तान में गुफ्तगू शुरू हो गई गैरत वाले कत्ल से, और हाल ही में एक कानून पास हो गया। वैसे जुमीन आप भी फिल्म अभी कर रही हैं और आपकी भी फिल्म आ चुकी है और अब आप आगे भी करने वाले हैं, तो हमारे पास भी यहाँ कुछ बहुत सा फिल्मी टैलेंट पड़ा हुआ है। आयमा जरा आए ना, इनको टैलेंट तो दिखाएं, क्या ख्याल है? की जिंदगी हर घड़ी तुम्हारी है, चीलो पर फैला के देख लो बादलों की राह को, है जमी तो आसमां भी लो। जिंदगी ये जिंदगी है मजे की जिंदगी, हर घड़ी तुम्हारी है, चीलो पर फैला के देख लो बादलों की राह को, है जमी तो आसमां भी लो। छोड़ो सारे झमेले ये उलझनों के मेले, ऐसा करो के मुस्कुराए जहाँ। बेफिक्रियाँ दिल में है, बेफिक्रियाँ बेफिक्रियाँ दिल में है, बेफिक्रियाँ बेफिक्रियाँ दिल में है, बेफिक्रियाँ।
सजते हैं सितारों से परे, बैठे बैठे यूं ही ना झूलो, पीछे नहीं देखना ना कहीं ठहरना, जाओगे दिशाओं को झूलो, कल का दिन क्या ले आए ये गम भी ना सताए, कोई लगन हो कोई धुन हो जवा One, two, three, four. Janjani janak din, janjani janak din. Tagdi, tagdi, tagdi. Ah, tarvinna, ah. ਮੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪਛਾਣੂ ਬਾਹਾਂ ਡਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਜ਼ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਪੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਮਰੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਲੇ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੋਫਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਹੋਟਲ ਛੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈ ਮਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ ਨੀਲਮ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਸ਼ਰਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਮੰਗਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਸ਼ਰਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਪਿਸਤਾ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਏਗਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰੀ ਸੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਲਓ ਦੱਸੋ ਓਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਨਿਰਦੋਲੀ ਹੋ ਗਏ नैब वालों का पब्लिक सर्विस मैसेज है जिसका मतलब है कि आप करप्शन ना करें ना मदद करें उसमें नहीं तो खुदा दे बंदे भी तुसी उर्दू च करो अंग्रेजी साड़ी जुबान ते है ही नहीं मैं तो एडा दिहाड़ी बाज हाँ मैं तो सवेरे और मेरी जड़ी शीज माई वाइफ नहीं ओ मैंने 100 रुपये की दही लैन भेजे ना मैं उन दिन भी 20 टुक लेना पब्लिक सर्विस मैसेजेस ऐसे होते हैं जिस तरह के हमारी मेहमान फैलाती है नहीं नहीं माशाल्लाह की अपना शर्मिला फारूकी साहब ओए यार नहीं मैं देखिया इन्हें किधरे बता के खौफ मैं देखिया चैनल अपना वो नहीं सियासतदान ते नहीं 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 ये कोई और ने कौन माशाल्लाह ये है ने कोई कौन अभी जेड़े इत्थे बैठे ने मतलब है ने सारे जी फरदौस आशिक अवान ने कमजोर हो गए ने थोड़ी हां वही मैं सोच रहे सियासत छोड़ दी ने सियासत तो करी नहीं कभी काम के कर देन फिल्म मेकर हैं ओ लो दसो जी हां मैं फिर भी नहीं पहचाने शर्मीन उबैद शर्मीन उबैद फरूकी साहब ने चुनाव हां चुनाव वो चुनाव एक्सप्रेस तुसी बनाई सी ना जी I'm sorry. वो छोड़ दो तुम वो साथ वालों को देखो ओ मैं जान ना पानी वाली टैंकी पई बंदा ओ लो मेरे बड़े फैन ने अच्छा ऐसा ऐसा गाना गाया और पाकिस्तान की तारीख दे विच इन्हां दे वालो साहब भी ग्लूकोस सन कौन ग्लूकोस नहीं अपना गुलकार गुलकार और वजीराबाद उन्हां दा है ना जी अपना आरिफ लोहार साहब ये आरिफ लोहार नहीं है वही मैं कह रहा हूं भी ये तो नहीं ना गुल्लू बाट ने गुल्लू बाट हां गुल्लू बाट भी नहीं हूं तो बड़े में सोते फेरे हां गुजरात में जो बदतमीजी की थी ना अपना नसीरुद्दीन शाह साहब के जलसे च फिल्म लगी हुई थी किसी ने वटे वुटे मारे अहमद बट है अहमद लो दसो हाय 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 ये क्या था ऐसी सेलिब्रिटी वो फिल्म नहीं सी अपना जवानी फिर नहीं आती रहती फिर नहीं आती आती रहती ओ दे विच ऐसा सुपरहिट रोल कीता मैं कहना ले दे गए हो तुसी भाईजान जी इफ यू डोंट माइंड ओ बाजी होना मैं एक सेल्फी अगर ले लवां सेल्फी इफ यू डोंट माइंड
यू, हैव अ ग्रेट डे। होठों पर सजाना चाहता हूँ आज मैं खरियां सुनाना चाहता हूँ। आठ घंटे कौन सहता है जबर, मैं तो ऑफिस आना जाना चाहता हूँ। इंतहाई बूढ़ा हो जाने पे मैं हल्फे गवर्नर उठाना चाहता हूँ। आ इनको कौन सा रोल इनके लिए लिखेंगे? मैं फिल्म को वैसे आग लगा दूंगा मेरे ख्याल से, तो इतनी तकलीफ से चारों क्यों गुजरे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। एक मिनट, क्योंकि वासिर चौधरी साहब से आज तक किसी ने 2020 नहीं खेला। ओ मैं आज 2020 तैयार करके आया हूं वासिर चौधरी साहब के लिए। चलिए सर, रेडी हैं? जी सर। तो पहला 2020 का आपका सवाल है सर, आपका सबसे कम फेवरेट एक्टर कौन है इनमें से? इनमें से? अच्छा। इनमें से फहद मुस्तफा, इमरान अब्बास, एहसन खान या हमजा अली बासी? एहसन खान। इनमें से सबसे कम तरीन आपको एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? सुहाय अली, ईमान अली, उर्वा मावरा या मतीरा? मतीरा। अगर आपने फिल्म बनानी हो तो इनमें से डायरेक्टर कौन लेंगे? जवाद बशीर, जामी, असदुल हक या वजाहत रऊफ? मैं फिल्म को वैसे आग लगा दूंगा मेरे ख्याल से, तो इतनी तकलीफ से चारों क्यों गुजरे। एज अ राइटर आप इन जिन अदाकारों का मैं नाम लूंगा, जी जी, इनको कौन सा रोल इनके लिए लिखेंगे? अच्छा, याद रखें इनकी नियतों पे और जिस तरह आप उनको जानते हैं उसकी बेस पे आप इनको कैरेक्टर देंगे। रैपिड आना चाहिए सर ये। फवाद खान हीरो, मतलब हीरो है, एक जो स्टार्ट है। हुमायूं देवदास टाइप रोल। इजाज असलम। कोई जज का रोल होगा जो ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा बस, बस इतनी लाइन होगी। महवेश हयात। मैं सिंध नहीं आऊंगी। अली जफर। वो खुद अपने लिए बड़ा कुछ लिख लेते, मैं क्या लिखूंगा। ताहिर शाह। आगे की चीज है वो, मैं नहीं वहां पहुंच सकता। क्या बात है जी। और ये था वासे चौधरी का। तो ये ऐसे देते हैं रैपिड फायर। सर ये बताएं इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? साइमा, मीरा, रेशम या रीमा? साइमा जी लेजेंड है, उन्होंने सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स किए। ये बताएं आपके ख्याल में इनमें सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कौन है? महवेश हयात, सुहाय, आयजा खान, मायरा खान, मावरा हुसैन या उर्वा हुसैन? आई थिंक खूबसूरती के हिसाब से देखें तो आयजा बहुत प्यारी है। इनमें से आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी? बिन रोए, दोबारा फिर से, जानान या जिंदगी कितनी हसीन है? कुछ नहीं देखा, इसे देखी ही नहीं है। मैंने इनमें से सिर्फ जनान देखी है। तो सिर्फ आपको वो जनान अच्छी लगी? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने जनान देखी और इनको जनान भी अच्छी नहीं लगी। इनमें से किसकी कॉमिक टाइमिंग आपको सबसे पसंद है? अहमद अली भट्ट। नाम सुन लीजिए, उमर शरीफ साहब, मुनव्वर जरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब या फिर इस्माइल तारा साहब? मुनव्वर जरीफ साहब। इनमें से किस खातून पॉलिटिशियन के साथ आप हीरो आना चाहेंगे? शीरी मजारी, फिरदौस आशिक कवान या शहरी रहमान? यस। एक अगर कुछ लोग तीन दफा हुकूमत में आ सकते हैं, मैं तीन दफा हीरो क्यों नहीं आ सकता? नहीं, एक के साथ हीरो आना है, चाहे तीन बार आइएगा। शीरी मजारी। इन एक्टर्स से सुनते से पहला ख्याल आपके ज़हन में क्या आता है? हमजा अली बासी। लफ्ज़ इस्तेमाल करें। पहला वर्ड आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। मायरा खान। ब्यूटीफुल। मिकाल जुल्फिकार। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। फहद मुस्तफा। उससे थोड़ा कम ब्यूटीफुल, साइडें वजी हुई। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर फ्रंट बजाओ। आई थिंक एंग्री यंग मैन। इमरान अब्बास। एंग्री ओल्ड मैन। सनम सईद। एंग्री वॉनबी मैन। व्हाटएवर दैट मींस। समीन ये बताएं इनमें से आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है? नदीम बेग, आसिम रजा, जामी या नबील कुरैशी? आसिम रजा। इनमें से आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पसंद है? सेविंग फेस, टेरर चिल्ड्रन, अ गर्ल इन द रिवर? टेरर चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मंटो, शाह या दुख्तर? शाह। इनमें से आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सी एक्ट्रेस लगती है? मायरा खान, सज्जल अली, उर्वा हुसैन या महवेश हयात? मायरा। मायरा खान। अच्छा, सज्जल, उर्वा और महवेश नहीं, ठीक है। अगली फिल्म में किसको हीरो रखना चाहेंगी आप? फवाद खान, फहद मुस्तफा, दानिश तैमूर या फिर मोहिब मिर्जा? फहद मुस्तफा। बहुत सारी तालियां शर्मीन उबैद के लिए। अभी जिसको जाकी नातवानी से हुआ, ऐसा कट्टा दिल मेरा इस हुक्मरानी से हुआ। थाने जाके मैंने जब इंसाफ की फरियाद की, काम बिल आखिर मेरा रिश्वत सतानी से हुआ। जिसने मेहनत की थी उसको नौकरी ना मिल सकी, सीट पे बैठा जो पास बेईमानी से हुआ। हाँ, ओए एक ऑस्कर नाल बॉक्सर।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी आयमा, अजीब गरीब तो सुनाइए कुछ। वैसे तो दुनिया में बर्गर के शौकीन अफराद के लिए अनोखे बर्गर्स बनाए जाते हैं, लेकिन मॉस्को में एक रेस्टोरेंट है जहां सोने के वर्क से सजा बर्गर बनाया जाता है। ये महंगा तरीन बर्गर है जिसे बेहतरीन अज्जा से तैयार किया जाता है। इसकी कीमत $80 यानी तकरीबन 8,380 पाकिस्तानी रुपए है, और इसको खाने के लिए 2 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है। ओए होए होए, ये तो बड़ा अहमद भट्ट साहब, आप बहुत बड़े खाने के शौकीन हैं। कुछ समझ आई आपको 8,000? ये आपको कैसे पता लगा? सर आपने इतने प्रोग्राम किए खाने बनाने के ऊपर, तो उससे हमें अंदाजा हुआ, और माशाल्लाह कुछ बातें तो नजर भी आ जाती है। तो आप वैसे 8,000 रुपए का बर्गर खा सकेंगे? नहीं, मेरा रोजा है। अच्छा, ये आपने कॉमेडी की थी। अच्छा भट्ट साहब, तुसी ते साबत बिलियां खा जांदे। जमीन, आप भी खाने की शौकीन है? कौन पाकिस्तानी खाने का शौकीन नहीं है? ये ना, ये पाकिस्तानी खाने का नहीं, नहीं हमें कह रहे हैं ना, आप लोगों को खाने का शौक है, ये तो रोजे रखता है। वो सब खाना नहीं खाते, सिर्फ उतार खाते ने। चौधरी साहब तो एक दफा चने लेते हैं, 6 दफा उसे कहते थोड़े से और डालना। जी अम्मा, दूसरी खबर सुनाइए। दूसरी खबर है अमेरिका से। लिंकन काउंटी के एक दरिया में मछली पकड़ने का मुकाबला रखा गया। ये खास मछली है जो बाकी मछलियों को नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए इसकी तादाद कम करने के लिए मुकाबला रखा गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे बदसूरत मछली पकड़ेगा इसको $1,000 का इनाम भी दिया जाएगा। एम ही उत्थे मुकाबले कर रहे ने, साडा मगरमच्छ दरिया च सुटन, ना उत्थे मछली रहनी ना पानी रहना। यहाँ देखिए, मछली मछली को नुकसान पहुंचाए तो मछली को पकड़ लेते हैं, और यहाँ गंदी मछलियां पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है और कोई नहीं पकड़ रहा। भाई है कोई सखी, है कोई सखी जो बॉबे को भी ऑस्कर दिलवा दे? अरे वो क्यों, तू अपने ईमान नाल दस, बॉबे तो वड्डी को फिल्म है। मैं किन्नू किन्नू दसा ए राज दियां गल्लां, मैं किन्नू किन्नू दसा ए राज दियां गल्लां, मैं किन्नू किन्नू दसा ए राज दियां गल्लां। जदों दी होश संभाली है ना, पाकिस्तान दी बैटिंग ते जमहूरियत दोवें खतरे च ही वेखी है। यकीन कर, कुड़ियां एडियां मासूम हुंदियां ने, दिल टुटण दा एडा दुख नहीं हुंदा जिड्डा ना हुण टुटण दा हुंदा। हेलो, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओए, एक कॉस्कर नाल बॉक्सर। ये जोगी साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं, टाइटैनिक। जंजीर निकली। जंजीर क्यों निकली? उन बेवकूफों को आजाद कराना नामुमकिन है बच्चिया, जिन्होंने ऐसी जंजीरों को जेवर समझकर पहन रखा है। मेरा खामोश रहकर भी उन्हें सब कुछ बता देना। एड़ा तो सर्द सबर ना पा। मेरा खामोश रहकर भी उन्हें सब कुछ बता देना। जबान से कुछ ना कहना, देखकर आंसू बहा देना। आंसू बहा देना। भरोसा यार दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे, दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे। छड़ झगड़े ते करिए प्यार, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे, दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। कहना यारी आपे मैं लाई वे
इश्क तेरे ने किया मैनू शुदाई वे किसे नू की कहना यारी आपे मिलाई वे इश्क तेरे ने किया मैनू शुदाई वे नहीं पल तक कोई एतबार नहीं पल तक कोई एतबार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे ਦਮ